एक और आरोप लगता है बीजेपी पर कि हिंदू मुस्लिम करती है, तो कैसे देखते हैं? कोई भी नहीं है, क्या हिंदू मुस्लिम बताओ, 5 सालों में कोई अगर दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में तो बताओ? हाँ। अगर वो दंगे जो कराते थे वही लोग अब फड़फड़ा रहे हैं कि भी दंगे कराने का हमें मौका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो खत्म हो चुका दंगा। तो बताइए अंकल जी, किसान भी नाराज है सरकार से। किसान ये जो टिकेत बैठा है ना जी, जो जाटों की बात कर रहा है, जब कबाल कांड हुआ था जब ये कहा था, जब ये कहा था, और जितने मतदाता ये है ना वो कहते नाराज है जाट, वो नाराज ना जो गुंडे पहले थे, जो खिलाफ वोट पहले देते वो ही अब है। अच्छा। कम ही है उससे। अच्छा, तो जाट इस बार खिलाफ नहीं है? कोई नहीं खिलाफ। कैसे पता? हमें पता है। हाँ। जाटों में बैठे खूब। अच्छा, पता है मतलब? हाँ, सबकी, सब बिरादरियों की, सबकी, सबकी। कर दो केजरीवाल की तरह, जो बिजली माफ करे या हाफ करे उसको वोट दो। अच्छा, मेन मुद्दा है बिजली का। अच्छा, आम आदमी ग्रस्त परेशान है। किसको देख रहे हैं आप फिर? हम तो कह रहे हैं केजरीवाल आए देंगे सभी यूपी में। बिल्कुल आएगा, जब बिजली माफ करे, घोषणा करे, जो सी पार्टी कर दे। अच्छा। ये नहीं, तो नहीं गुंडागर्दी बहुत थी, बदतमीजी बहुत थी। अच्छा, वो नहीं है अब, वो नहीं है अब। अच्छा, बहु बेटियाँ सुरक्षित है, बहु बेटियाँ सुरक्षित है इस सरकार में। अच्छा, आप लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रिथम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार नाम सर जी मेरा। भैया सरकार किसकी देख रहे हो 22 में चुनाव सर जी? बीजेपी की। बीजेपी क्यों भैया, तेल महंगा कर दिया सर जी? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई सर जी बढ़ रही है फिर भी। अच्छा, क्यों फिर? क्यों सरकार तो बीजेपी की आएगी? देखो अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, विकास हुआ है। अब विकास हुआ है खूब। और गुंडागर्दी का कैसा? गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही खत्म होगी सर जी, खत्म होगी। रोडों पे जो भी बदतमीजी जो होती थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी। अखिलेश जी तो क्या ना बढ़ा रखी है? अरे अखिलेश जी तो सर जी टॉर्टिश हो रहे हैं। अच्छा, हाँ सीधी सी बात है। तो अखिलेश जी 400 सीटों का दावा? अरे सर जी मैं कह रहा हूँ आधी भी नहीं आने वाली, 200 भी नहीं आने वाली। अच्छा, आप 400 की बात कर रहे हो? 400 पार जाएंगे योगी जी? 400 पार? हाँ जी। 3 तो सीटी हैं। अरे कोई बात नहीं, 401 मान लो, 403 है तो। अच्छा, 401 सीटें। हाँ जी, योगी जी, योगी जी की। किसान नाराज दिख रहे हैं इस बार? सर जी कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा, किसान खुश है। किसान किसान खुश है? हाँ जी। नाराज कौन बैठा इतने दिन? अरे सर जी ये तो राकेश डकैत है। हाँ, डकैत मतलब उसने भड़का रखा है किसान, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, भड़का के भड़का रखे, और कुछ नहीं है। अच्छा, वरना आनी तो बीजेपी है, सीधी सी बात। मायावती हो गई, राहुल गांधी हो गए, कुछ नहीं। ये तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं। अच्छा, हाँ जी। ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार? अरे कुछ नहीं सर जी, ओनली बीजेपी। अरविंद केजरीवाल? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, क्यों भैया? 22 में सीएम योगी जी रहेंगे। योगी जी रहेंगे? हाँ जी, 100%। हाँ जी। क्या भैया? केजरीवाल जी ने लॉकडाउन के टाइम में, जब पहला लॉकडाउन लगा था, मैं वहीं गाजियाबाद में रहता हूं, यूपी और बिहार के सारे लोगों को वहां से भगा दिया था कि योगी जी ने बुलाया, योगी जी ने बुलाया है। और योगी जी को फिर यहां पे सारा अरेंजमेंट करके उनको भेजना पड़ा घर घर तक। उनका क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल तो यहां पे जीरो है, जीरो है। अरे वो फ्री की योजना कुछ नहीं लेके आ रहे। अच्छा। वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन में दिया था, हाँ। वो भी नहीं बंटवा पाए, उसको भी अपना जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको बांट दिया जी। जो यूपी और बिहार की जनता थी उनको किसी को नहीं दिया जी। तो क्या लग रहा है कौन बनेगा इस बार? योगी जी बनेंगे यूपी में, पक्का योगी जी। अखिलेश जी कहाँ गए? अखिलेश जी देखो, अखिलेश जी ने जो काम किए थे वो सबको पता चल गए थे। अब जो योगी जी ने किया वो सबको पता है। हुआ है काम या नहीं हुआ है? अरे काम कौन सा नहीं हुआ ये बताइए ना। अब वो तो जनता बताए, पहले ये बताइए कौन सा नहीं हुआ ये बताइए। अब वो तो आप बताएंगे क्या सारे काम हुआ? जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो 90% हो चुके हैं, 90% बिल्कुल हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में 2027 तक वो जो अगले भी 100% होंगे वो भी क्लियर होंगे। हाँ। और जो बचे हुए 10% है वो भी क्लियर होंगे। अच्छा। और लोगों को इतनी राहत मिलेगी, लोगों को सब सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक नहीं मिल पाई थी। अच्छा। 70 साल में किसी ने पूछा किसी से कि भाई ये काम क्यों नहीं हुए जी। तो अब क्यों पूछ, अब इतनी जल्दी कैसे पूछने लगे जी। अगर किसी भी क्लास में बच्चे को एडमिशन लेने के बाद में एग्जाम देना होता है तो 12 महीने बाद उसका एग्जाम होता है जी। लेकिन 70 साल से जो एग्जाम हो रहे थे हर 5 साल बाद, उसका किसने जवाब मांगा जी? कांग्रेस भी तो है, राहुल गांधी आ रहे हैं। अरे भैया राहुल जी का बस शादी करवा दो आप, सबसे बड़ा काम हो जाएगा, सबसे बड़ा काम हो जाएगा। अगर वो शादी हो जाएगी उनकी, समझ लो वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन। अच्छा, हाँ। गुंडागर्दी का क्या माहौल है यूपी में? कम हुई है, बढ़ी है पहले से? अरे भैया कौन सी बढ़ रही है ये तो बताओ, कहाँ हो रही है? देखो सारी चीजें कभी खत्म नहीं होती है जी, तो मतलब कम भी नहीं हुई है पहले से? नहीं, कोई कम नहीं हुई। अच्छा,
तो किसकी सरकार देख रहे हो आप इस बार? अखिलेश। क्यों? क्योंकि उसके जैसा, उसने जितने काम किए हैं उसके बराबर किसी ने विकास नहीं किया। क्या किया आप देख लो, सारे उद्घाटन क्या कहते हैं बीजेपी सरकार करती हुई रुल ली उनके कामों के। अच्छा। हाँ, मेट्रो अखिलेश सरकार की देन है। हाँ। जिसका उद्घाटन योगी जी ने किया है। अच्छा, ऐसा है क्या सही में कि सारे काम अखिलेश जी ने किया, उनके कामों का फीता? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अगर आप देखोगे मायावती जी के टाइम में नोएडा एक्सप्रेस वे, जो यमुना एक्सप्रेस वे है, वो बनाया गया था, लेकिन उसका फीता किसने काटा था? अखिलेश जी ने काटा था। तो अगर जो योजना पहले शुरू हुई वो तो काम कंप्लीट होंगे तो ठीक है, लेकिन 5 साल में उस टाइम पे सिर्फ 2 ही एक्सप्रेसवे बने थे 70 साल में। एक तो यमुना एक्सप्रेसवे बना था और एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना था। आज के टाइम में देखिए 5 साल में कम से कम 5 एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो चुके, उसके अलावा भी जी। तो बताइए कौन सा फीता काट दिया। अब अगर ये कहो तो अटल जी के टाइम पे दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट हुई थी जो कि 2001 में हुई थी, लेकिन उससे पहले वो 96 में ही जापान से फाइल क्लियर करा के लेकर आए थे। जब उनकी उसमें 96 में सरकार आई थी, शुरू कब हुई थी? 2001 में। 2001 में कौन था वहाँ पे? शीला दीक्षित थी। तो क्या शीला दीक्षित जी ने कराई थी मेट्रो? मेट्रो तो अटल जी ने कराई थी जी। तो तब से वो फाइल वहाँ क्लियर होकर के तब आई थी जब हुआ था काम। अगर उनके अखिलेश जी के टाइम पे हुआ तो अखिलेश जी ने सिर्फ एक नोएडा की मेट्रो करा दी, बाकी लखनऊ की, मेरठ की, आगरा की और जो और मेट्रो वो किसने कराई हैं? बनारस की वो किसने कराई हैं? वो भी सब योगी जी ने कराई हैं। तो कौन सा नहीं हुआ बताइए काम? आप क्या कहेंगी, यूपी में इलेक्शन है, सरकार किसकी देख रही है इस बार? यूपी की महिलाएं योगी, योगी जी की। क्यों, ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? बहुत कुछ किया है। अच्छा, बहुत कुछ। गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी पर महिलाएं तो कह रही है महंगी कर दी सब चीज। हाँ, महंगाई तो करी है लेकिन गुंडागर्दी कम है। गुंडागर्दी कम है, बहुत कम। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं। अच्छा, आप क्या मानती हैं ऐसा सही में हुआ है? हाँ, महंगाई ज्यादा हुई है, वैसे सुधार हुआ है, लाइट वगैरह में काफी लाइट वाइट बढ़िया आ रही है। हाँ, लाइट सही आ रही है। अच्छा, और गुंडागर्दी? गुंडागर्दी भी थोड़ी बहुत कम है पहले से। अखिलेश जी को क्यों नहीं देख रहे? तो अभी नहीं देख रहे। गुंडागर्दी बहुत थी, बदतमीजी बहुत थी। अच्छा, वो नहीं है अब। वो नहीं है अब। अच्छा, बहु बेटियां सुरक्षित है, बहु बेटियां सुरक्षित है इस सरकार में। अच्छा, और बताइए अंकल जी, किसान भी नाराज है इस सरकार से। किसान, ये जो टिकेत बैठा ना जी, जो जाटों की बात कर रहा है, ये जब कबाल कांड हुआ था जब ये कहा था? अच्छा। जब ये कहा था, और जितने मतदाता ये है ना कि नाराज है जाट, वो नाराज ना जो गुंडे पहले थे, जो खिलाफ वोट पहले देते वो ही अब। अच्छा, कम ही है उससे। अच्छा, तो जाट इस बार खिलाफ नहीं है? कोई नहीं खिलाफ। आपको कैसे पता? हमें पता है। हाँ। जाटों में बैठे हैं खूब। अच्छा, पता है मतलब? हाँ, सबकी, सब बिरादरियों की, सबकी, सबकी। अच्छा, और पूछ रहे कैसे क्या? तो कह रहे तख्ता पलट करके। अरे, दो बार तो उसकी जमानत जब्त हो चुकी, तीसरी बार और लड़ ले, लड़े ना चुनाव। कहते रहे योगी को हटाएंगे। अरे, हटाने से क्या, चुनाव लड़े ना, हटाएगा तो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, चुनाव लड़े, मैदान में आवे। हाँ, पता पड़ जाएगा। जैन चौधरी आ तो रहे हैं। अच्छा, जैन चौधरी की भी मिट्टी खराब हो गई। अच्छा, सारे भाई भाई ना मिले एक साथ, क्या हुआ जैन चौधरी का? क्या कर लिया जी? क्या कर लिया? हाँ, केजरीवाल की तरह कर दो, केजरीवाल की तरह। जो बिजली माफ करे या हाफ करे उसको वोट दो। अच्छा, मेन मुद्दा है बिजली का। अच्छा, आम आदमी ग्रस्त परेशान है। किसको देख रहे हैं आप फिर? हम तो कह रहे हैं केजरीवाल आए, देंगे सभी यूपी में। बिल्कुल आएगा, जो बिजली माफ करे, घोषणा करे, जो सी पार्टी कर दे। अच्छा, ये मतलब माफ वाला हिसाब से? हाँ, नहीं नहीं, माफ नहीं, माफ कर कहाँ से आएगी फिर बिजली। हाँ। लेकिन जितनी महंगी हो रही है उससे बढ़िया हाफ कर दे, हाफ कर दे। हाँ, चोरी रोको। हाँ। और जो ईमानदारी से दे रहा उसकी हाफ करो। अच्छा, वोट उसे। विकास हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो हुआ। गुंडागर्दी? वह गुंडागर्दी भी काफी हद तक रोक, काफी हद तक रोके। तो किसको देख रहे हैं? योगी जी वापसी करेंगे या किसी और को? योगी जी देखिए, बिजली पे सोचे ना। हाँ। बहुत कुछ है योगी जी के साथ, लेकिन बिजली पे और देखे, फोकस करें, बिजली तो बहुत पे कुछ सुधार। बाकी तो बाकी अखिलेश जी को क्यों नहीं देख रहे? अखिलेश जी भी अच्छे हैं, ठीक है। अखिलेश जी भी अच्छे हैं। हाँ, मायावती जी, राहुल गांधी जी, सभी ठीक हैं, लेकिन पब्लिक की जो आम, देखिए बिजली से आम पब्लिक को फायदा होगा जी। ये ऐसा नहीं है, चोरी रोको, चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं, जो ईमानदारी से भर रहा है उस पर अनलिट जा रही है, उस पर नहीं सहरा जा रहा। अच्छा, बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी का फायदा केजरीवाल को दिल्ली में मिला था जी, जी, बिल्कुल। और जो पार्टी यहाँ उठाएगी इस मुद्दे को, निश्चित रूप से वो जाएगी आगे। अच्छा, और किसान भी तो हैं इस बार? किसान सर दिखाने को है, किसान सभी वहीं है जहाँ है। कोई ऐसे मतलब क्या है ये तो बता दीजिए।
देखिए अब वो जहाँ पहले होंगे वहाँ से इससे कुछ मतलब नहीं है कि आंदोलन चल रहा है वो चल रहा है, ये सब नेता लोगों का काम है। असली किसान गांव में खेती कर रहा है, परेशान बेचारा, देखो बारिश ने सारा नुकसान कर दिया। वास्तव में कहते हैं कि ये वो है अन्नदाता, लेकिन वास्तव में उसको भगवान ने भी पछाड़ दिया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो इन बॉर्डरों पर बैठे हैं उसके बाद जो घटना हुई, कहीं ना कहीं किसानों को भी बदनाम किया गया? जी बिल्कुल हाँ, कुछ घटना राजनीतिक उसमें है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो किसानों का नहीं है, वो राजनीतिक हैं, सब एक दूसरे को बदनाम करने के लिए हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है।